अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नया हर्फ सीखने वाले हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये हर्फ देखो, गौर से देखो कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, यह हर्फ है दाल। ये दाल की शक्ल है और इसकी आवाज होती है द द। अब कुछ अल्फाज के जरिए दाल की शक्ल और आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है जखीरा, उसके साथ लिखा हुआ है लफ्ज जखीरा। जखीरा की पहली आवाज है ज। ज की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। ये है दाल और इसकी आवाज है द। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये लफ्ज है जहन। जहन की पहली आवाज है द। द की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। ये लफ्ज है जर्रा। जर्रा की पहली आवाज है ज। ज की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। ये लफ्ज है जाकिर। जाकिर की पहली आवाज है ज। ज की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये लफ्ज है जायका। जायका की पहली आवाज है ज। ज की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। ये है लफ्ज जहानत। जहानत की पहली आवाज है ज। ज की आवाज के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है दाल। इस तरह प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये हर्फ है दाल और इसकी आवाज है ज।